हमारा देश एक लंबे समय तक संघर्ष करता रहा। वैसे देखा जाए संघर्ष तो लगभग 2500 वर्षों का है। डेरियस फर्स्ट और डेरियस सेकंड ये दोनों ही भारत की सीमा तक आकर के लौट गए। अलेक्जेंडर का आक्रमण ऐसा था जिससे लंबी अच्छी मजबूत लड़ाई हुई और अंत में चला गया, लेकिन आक्रमण रुके नहीं थे। ग्रीक लोगों के लगातार आक्रमण हुए और एक के बाद एक बर्बर जातियां आती रही। अनेक बार हम लोग हार गए, ये बात सच बात है। ग्रीक लोगों से हारे, शकों से भी हारे, हूनों से भी हारे, लेकिन भारतीय जो प्रज्ञा है या भारत का जो अंतर मन है, भारत का जो अध्यात्म है, उसने लड़ाई नहीं हारी। ये जानने की बात है। और ये ग्रीक लोगों के शासन अंदर तक हो गए, मिनिएंडर अंदर तक आ गया, कुषाण लोग अंदर तक आ गए, कनिष्क तो मथुरा तक उसकी राजधानी थी, शक तो बिल्कुल मध्य भारत के बीच में आ गए। लेकिन उनकी राजनीतिक विजय थी, ये बात सच बात है, अंततोगत्वा भारत का अध्यात्म जीत गया। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है जो अपने को जानना चाहिए। लेकिन इस्लाम का आक्रमण कठिन आक्रमण था। पहली बार भारत के जनमानस को ऐसा आक्रमणकारी दिख रहा था जिसकी रुचि केवल विजय में नहीं थी, जिसकी रुचि अंततोगत्वा जीते हुए समाज को इस्लाम में मतांतरित कर देने की उसकी रुचि थी। जो सेना हारती थी वो केवल हारती नहीं थी, राज्य नहीं हारती थी, उस सेना को फिर इस्लाम कबूल करना होता था अथवा मरने को तैयार रहना होता था। फिर गांव के गांव इस्लाम में मतांतरित किए जाते थे, अन्यथा वे गांव छोड़कर के भाग जाते थे। बहुत लिबरल हुए तो जजिया देकर के रहते थे,